खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के हिलौली से आ रही। हिलौली ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को विकास की ओर ले जाना मेरा प्रमुख दायित्व, ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप कुमार दीक्षित ने कहा। हिलौली ब्लॉक सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। गांवों के अपराधों को रोकने के लिए शासन ने ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत अब गाँव के प्रमुख स्थलों जैसे सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रमुख मार्गों, गांव के मुख्य द्वार, मुख्य चौराहे और तिराहों पर अपराधियों की निगाहबानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बुधवार को ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानों को गांवों में कैमरे लगाने के स्थान तय करने का निर्देश दिए गए। एसओ भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि अपराध नियंत्रण, अनावरण व आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए कैमरे सहायक सिद्ध होंगे। ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित ने बताया कि ग्राम पंचायतें उच्च गुणवत्ता युक्त कैमरे खरीदें, जिससे अपराध और अपराधियों को चिन्हित करने में फोटो साफ हो सके। बैठक में विशेष रूप से एडीओ पंचायत रवि शर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह भोले, हिलौली प्रधान प्रतिनिधि महेश सोनी, गौतम त्रिपाठी, शिवपति राजेंद्र सिंह, शुभम चौधरी, राजेश प्रधान, काली किशोर साहू सहित प्रधानगढ़ व ग्राम सचिव मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए एसके पाल की रिपोर्ट। वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे, आइए देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा। सर, आज ब्लॉक सभागार में आप प्रधानों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर रहे थे, तो क्या था मुद्दा? मुद्दा यह था कि हमारे स्कूलों में जो भौतिक सुधार के लिए उसके जो कमरे हैं, टाइल्स हैं, शौचालय है, रंगाई पुताई है, दिव्यांग शौचालय है, हमारे यहाँ 19 पैरामीटर पर काम चल रहा है, इसमें ये सब पैरामीटर शामिल हैं। उन्हीं पर जहाँ पर जो काम नहीं हुए हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही थी ग्राम प्रधान के द्वारा, ग्राम प्रधान लोग के पास, कि वो काम कैसे कराना है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अधूरे हैं। आज जो बातें हुई हैं मेन रूप से हमारे यहाँ 71 विद्यालय में के उसमें टाइलीकरण नहीं है, 37 विद्यालय हैं जहाँ पर चार दीवारी नहीं है, 28 विद्यालय जहाँ पर दिव्यांग शौचालय नहीं है, और 8 विद्यालय हैं जहाँ पर रनिंग वाटर नहीं है। तो इन चीज़ों को मेन रूप से लिया गया है कि और इस पर प्राथमिकता पर काम कराना है। ब्लॉक प्रमुख जी ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में फिर हम लोग एक बार बैठते हैं और काम करवाते हैं। एक प्रस्ताव और भी आया है कि हम लोग एक हफ्ते 10 दिन बाद नया पंचायत स्तर पर सभी हेड टीचर, ग्राम प्रधान और सचिव के साथ बैठ जाएंगे एडीओ पंचायत के साथ में, तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हो जाएगी। सर, जैसा कि अभी एक शिकायत मिल रही थी कि कहीं पर किसी ग्राम पंचायत में है जहां शिक्षा मित्र को लेकर के शिकायत थी। हाँ, प्रधान ने शिकायत की है पान कोर के जी, तो हम उसको देखते हैं क्या मैटर है, उसको जांच करते हैं।